नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल चतुर्वेदी और बात अब करेंगे उस बड़ी खबर की जो बड़ी खबर दिन भर से हर तरफ चल रही है। दरअसल में रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीत बीजेपी को बम्पर मिल गई है, जिस जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजेता उम्मीदवारों को बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार को डबल डबल जीत मिली है। चुनौतीपूर्ण लड़ाई को जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसको जीतकर बीजेपी ने 2024 के दुर्गामी संदेश दे दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सकारात्मकता और गरीब कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के जो कार्य किए जा रहे हैं, ये जनता ने उसका जवाब दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में 2/3 सीटें बीजेपी को हासिल करने के बाद विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी, तो वहीं अब लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर जैसी जगहें जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ा सफर रहा है, वहां पर बीजेपी ने यह जीत हासिल की है। पूरी जीत के लिए आजमगढ़ और रामपुर की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और अपना आशीर्वाद जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों के विकास करने के लिए पूरा योगदान देंगे। और इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावनाओं के साथ इन दोनों क्षेत्रों के भी समग्र विकास के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी, कार्य की है और आगे भी कार्य करेगी। एक बार फिर से मैं सभी कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस जीत के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, दोनों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार पर आजम खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल में आजम खान ने अब इसको लेकर एक अलग ही तरीके का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जीत को हार में बदला गया है। वही रामपुर की हार पर अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि इस तरह के चुनाव नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर ठोक तंत्र भारी पड़ रहा है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा को हरा दिया है, लेकिन इस सब के बीच में आजम खान का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। जो चुनावी नतीजा है, जिस तरीके से तैयारी, चुनावी नतीजे कहा है, चुनाव था ही कहा, इसे ना चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट जो उम्मीदें थी नतीजे अच्छा आने की, इसके क्या वजह जी, क्या वजह रही जो इतने? अरे भाई, और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको भाई, आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं भाई? लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग, आप बताएंगे हमें? 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया, तो वो भी आप ही बताइए, हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए आप, हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं, आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है।
से अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं जिस तरीके से इतने कुछ होने के बाद? यकीनन यकीनन हमारी अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। वोटर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं में? घृणा का जवाब घृणा से न दें, तो सपा की जिस तरह से बुरी तरह से हार हुई है उसको लेकर आजमगढ़ और रामपुर, अब उसी को लेकर पूर्व सपा नेत्री रूबीना खानम का बयान भी सामने आया है। दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ का है, जहां आजमगढ़ व रामपुर में हुए उपचुनाव में सपा की हार के बाद अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री रूबीना खानम का बड़ा बयान सामने आया है। रूबीना खानम ने योगी सरकार का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कस दिया है और कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक विशेष वर्ग की बात करना बंद कर दे। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अभी वक्त है, सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर काम कीजिए। उन्होंने कहा कि आज रामपुर व आजमगढ़ दोनों ही सपा के गढ़ों में सपा की बेहुदा हार हुई है, ये कुछ और नहीं सिर्फ एक वर्ग की बात करने का परिणाम है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी व पार्टी प्रमुख को जमकर घेरा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री रूबीना खानम अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है, लेकिन अब उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ में हुए उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में सपा की हुई हार ने अखिलेश यादव जी को यह बता दिया है कि जो इस देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सब समुदायों की बात करेगा, जो सबका साथ सबके विकास की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और अखिलेश यादव जी अभी भी समय है, एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए, एक वर्ग विशेष की बात करना छोड़ दीजिए, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुष्टिकरण की राजनीति करना छोड़ दीजिए, सबका साथ सबके विकास की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए, इस राष्ट्र की बात कीजिए। और मैं आपको ये बताती हूँ, एक छोटा सा मेरा मशवरा है कि अगर आप इसी तरह तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे, एक समुदाय की बात करते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों की कहानी बनकर रह जाए। पूरे जनपद चमोली में बहुत सारे पंचायतों में प्रतिनिधियों के रिक्त पदों पर कल यानी कि सोमवार को मतदान होना है। इसके लिए लगभग सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों की टीमें पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में खंड नारायण बगड़ में, आपको बता दें कि ग्राम पंचायत निलाड़ी में भी सोमवार को प्रधान पद के लिए रिक्त मतदान होना है। बताते चले कि नारायण बगड़ ब्लॉक में चार प्रधानों के पद पर ये रिक्त पड़े हुए हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग ने पूरे जिले में 27 जून को मतदान कराने का निर्णय लिया था। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है और इस सियासी घमासान के बीच में नेताओं के बयानबाजी का दौर भी जारी है। अब शिवसेना की ओर से प्रेस वार्ता की गई, इस दौरान शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं वो अब तक सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। पार्टी के कई विधायक असम में रह रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग 16 विधायकों को नोटिस देने का सिलसिला अब हमारी तरफ से शुरू हो गया है। वहीं शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा है कि मैं लीगल पोजीशन और प्रोसीडिंग्स के बारे में बताने आया हूं। 16 विधायकों के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। मीडिया से यह भी चर्चा की गई है कि बागी कह रहे हैं कि हमारे पास 2/3 है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लग सकता है, ये गलत फैक्ट है। जब तक आप अपने विधायकों को दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं कर लेते तब तक डिस्क्वालिफिकेशन लग सकता है, ये कहना है शिवसेना के वकील का। प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी मौके पर ही हत्या कर दी। आपको बता दें कि यह मामला जैसे ही सामने आया, घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, भारी पुलिस बल पहुंच गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, परिजनों का हंगामा देखने को मिला, उन्होंने लाश को नहीं उठाने देने की बात कही। साथ ही साथ आपको बता दें कि हत्यारोपी को पकड़ने का पुलिस से ये
जितने भी परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं। छपिया थाना क्षेत्र के तबेपुरा का ये गांव पंचायत का पूरा मामला है, जिसके बाद से ही लगातार अब कई सवाल जो है वो खड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहां पर बदमाशों ने सीधे तौर पर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद गांव के लोगों में हड़कंप की स्थिति है। हरदोई के बघोली थाना इलाके में आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर काम करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से दो रेल कर्मियों की समेत दो मजदूर बुरी तरह से आपको बता दें घायल हो गए। घायल सभी चारों लोगों को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपका क्या क्या घटना हुई है? हम धर्मपाल बोल रहे हैं, धर्मपाल है, ये रेलवे से कॉन्ट्रेक्टर मुंशी है। ये हमने भेजे थे मशीन सफाई कराने के लिए, उसमें प्लेटें व्लेटें लगती हैं, कट जाती हैं प्लेटें, तो प्लेटें गैस से काट के बना लगाते हैं उसमें। तो इन्होंने एक सिलेंडर रखा, रखने के बाद आप रूप कुदरती फट गया, ये हुआ। कितने लोग घायल हैं? ये चार, सब रेलवे के कर्मचारी हैं। हाँ, सब रेलवे से हैं, दो रेलवे से हैं, दो हमारे कॉन्ट्रैक्टर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल। किस पद पर हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ रेलवे में। इन दिनों एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से वायरल होते हुए देखा होगा, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार धक्का देकर गिराए जाने का मामला निकलकर सामने आया था। इस वीडियो ने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद कई तरीके के गंभीर सवाल जो है वो निकलकर सामने आए थे। रानीगंज विधायक के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों का सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि चाहे कितने भी मुकदमे मुझ पर दर्ज कर लिए जाए, मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या कहा उन विधायक ने, आपको ये भी सुनवाते हैं। विधायक जी, आप पर मुकदमा हो मुख्यमंत्री के जाने के बाद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शिवसत प्रतापगढ़ में हो रहे गुणवत्ता रहित निर्माण कार्य को देखने के लिए गया था, और मैंने जब सहारा लिया, उसकी दीवारें खिसकी तो मैंने धक्का दिया। उसकी गुणवत्ता को दर्शाना मेरी नियत थी, और उस बात को लेकर के उस पर जांच करवा करके ऐसे दोषियों के खिलाफ यह तंत्र कार्रवाई करने में दिलचस्पी लेने के बजाय ये देख रहा है कि मैंने उस संपत्ति को गिराया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संपत्ति शौचालय के लिए बन रही है और बिल्डिंग बन रही है जिसके नीचे लोगों को रहना है, ऐसी बिल्डिंग अगर मेरे हाथ देने से रखने से अगर गिर जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें दोष है। उस दोष का परीक्षण करने के बजाय लोग मेरे हाथ में दोष देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मुकदमा दर्ज करा करके मुझे नहीं डरा सकते हो। आपको लगता है कि मैंने खता की है? और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को जरूर देखिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।